काफी इसके अंदर ना सेम थी कमरे के अलावा, तो एक तो ये वजह है, ये देखिए सामने पैम नॉर्मल है, हल्का पैम है, हल्के पैम की वजह से ना तो ये देखिए आपको काट नजर आ रहा है, तो इसकी वजह से सेम है। पानी हाली खड़े है और पूरे कमरे का अच्छा पानी भी है, पाओ जी जगह गीली भी है। अच्छा और उसके बावजूद ऊपर भी ना लगा रहा था या कोई प्लम्बर लगा रहा था, ये टूट गया और टूटने की वजह से ये उसकी नोक है ना वो अंदर की तरफ चली गई और अंदर की वजह से जो पानी आता था वो बाहर की तरफ लीक हो जाता था और इस वजह से पूरा जो कमरे की दीवार है वो अंदर से और बाहर से वो इसको सेम था इसके अंदर। और उस वजह से इस कमरे की हालत देख लें, यही हालत होगी और बाद में नुकसान होगा और मजदूरी हर चीज़ आपको डबल बढ़ जाएगी, तो लिहाजा इसका एहतियात करें। अच्छा वीवर ये देखें ना, ये माशाल्लाह किसी प्लम्बर भाई ने या किसी मिस्त्री भाई ने जो पैंप लगाया है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि पैंप कैसे लगाया था। उसने जोड़ ऐसे लगाया, एक टेक्निकल तरीके से लगाया, पैंप के ऊपर ही पैंप रख दिया, पैंप के ऊपर ही पैंप रख दिया, तो ये देखें फिक्स वो कहाँ, वो मकान मालिक अब क्या करेगा। तो लिहाजा ये रिक्वेस्ट है, आप जो भी किसी से अच्छे प्लम्बर से ये लगवा के जोड़ फिर ये ऐसे पैंप लगवाएं, अगर मिस्त्री लगाएगा तो वो ऐसे लगाया फिर पूरी बिल्डिंग का नुकसान ही होगा। अच्छा सही, बैक साइड पे भी है, सारी साइड है, बैक साइड भी है, दोनों साइड से ऐसे बिल्कुल ही खाली है। ये निकालते हैं आपको फिर दिखाते हैं। इधर ये देख लें, ये देख लें अभी सही निकाल रहे हैं, ये टुकड़े निकल रहे हैं और ये देखें ये टुकड़े हैं जो निकाल रहे हैं लड़के, तो आपको उल्टा करो इसके अंदर कचरा ना जाए, ऊपर करके हाथ डालो इसमें। तो ये ना पैंप देखो, ये टूटे हुए पैंप है, ये देखें और कचरा हटाओ। अच्छा और मैं आपको दिखाऊं ये पैंप देखो, ऐसे ये बहुत ही पुराना ना इधर टूटा हुआ, शुरू से टूटा हुआ था, ऐसे ऊपर रख के तो ऊपर जोर लगा दें और ये दूसरा टुकड़ा। और ये देखें ना, और ये ना कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर ना कपड़ा डाल दें क्योंकि ना कचरा जो है ना बीच में ना जाए, बीच में ना कचरा ना जाए। तो ये पैंप टुकड़ा दूसरा टुकड़ा गया और ये तीसरा आ गया और इसके अंदर ना उसने कपड़ा दिया हुआ, कपड़ा देकर ना भैया कि इसके अंदर ना कचरा ना जाए। तो ये टुकड़े आए जो पैंप के अंदर ना, ये देख लें आप पहले के टूटे हुए ऐसे मिस्त्री ने लगा दिए थे, ये नहीं सोचा भाई मालिक का कितना नुकसान होगा, ये नहीं सोचा उसने, ऐसे टुकड़े जो पैंप हल्का था और टुकड़े थे ऐसे उसने लगा दिए। तो ये देखो ना इसके अंदर ना कपड़ा लगा रहे हैं कोई, चलो भाई कचरे की ना बचत हो जाए, कचरा इसके अंदर ना जाए, जाने दो जाने दो जाने। और ये तीन टुकड़े आ चुके हैं, ये यानी कि पूरा पैंप लगाया था और पहली गलती है वो जो सामान नॉर्मल था, हल्का था सामान, अच्छा क्योंकि जिस टाइम पैंप लगाया था मुकम्मल था। और दूसरी ये है कि जिस तरह वो छाप लगे ना पैंप टूटता गया, लेकिन मिस्त्री ने चेंज करने की कोशिश नहीं की, ऊपर ही रख दिया। अब ये तीन टुकड़े हो गए, चौथा टुकड़ा सईद निकाल रहा है, ये देखे जी वेरी गुड हो गई, हाथ रख गए हाथ रख गए हाथ रख गए हाई बस कचरा, ये देखना ये हो गए, ये चार टुकड़े हो गए, ये देखे ये चार टुकड़े हो गए और ये कचरा आ रहा है, कचरा लड़के साफ कर रहे हैं, कचरा भी कचरा इसके अंदर ना चला जाए। अब ये देखें अब यहाँ से ना काटेंगे, काट के ना दोबारा इसको सेट करेंगे, ये देखें ये देखें पुराने टूटे, कोई कोई एक पैंप नहीं है जो निया यानी कि टूटा हो, ये एक भी नहीं है, क्योंकि निया टूटता तो वो जगह बिल्कुल साफ क्लियर होती। और ये देखें पैंप ना, ये देखें ये हाथ से कैसे जा रहा है पैंप, ये हो गया जी क्लियर। अब इसको हम जोड़ बनाएंगे, जोड़ बना के ना देखें जोड़ बना के फिर इसको लगाएंगे।
पेज कच्चा है। सही हाथ डाल करना कचरा निकाल रहा, जो बड़ी कचरा है वो भी इसके अंदर से निकाल दिया। मैश करें और ये अब हम अच्छा पैंप लेके आए तो 170 है 270 वीडियो दिखाए ना ये भी और सॉल्यूशन लगा के ना ये लगा दिया जोर और ये लग गए एल्बो ना एल्बो ची और ये एल्बो आ गई और यहाँ फर्श है ना थोड़ा नीचे है ये देखना।